राजस्थान के जयपुर में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की घर में घुसकर गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई, जिसको लेकर गुस्साए क्षत्रिय समाज और अन्य समाज में रोष है। वहीं बुधवार को राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना और क्षत्रिय समाज के लोगों में गुस्सा फूटा। वहीं करणी सेना और क्षत्रिय समाज के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने खैरागढ़ स्थित डांग बंगले पर समाज के सभी वर्गों के साथ बैठक की। बैठक खैरागढ़ नगर में पैदल प्रदर्शन करते हुए खैरागढ़ तहसील मुख्यालय पर करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के हत्यारों को पकड़कर फांसी दिलाने की मांग करती दिखी। तो वहीं उप जिला अधिकारी नीरज शर्मा को सैकड़ों लोगों ने प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के पदाधिकारी ने सभी समाज के लोगों से समर्थन में बाजार बंद रखने की मांग की है और बाजार को बंद रख सहयोग करने की गुजारिश की है। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। आगरा से अनिल कुमार बिथारिया की रिपोर्ट। मनीष जी, आज किस बात को लेकर बड़ा प्रदर्शन किया आप लोगों ने? आज जो राजपूत समाज के करणी सेना के हमारे जो एकता के सूत्र में हमारे समाज को विरोधने का काम किया है, वो हमारे सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी की कुछ लोगों ने नृशंस हत्या कर दी गई और उसका हम विरोध प्रदर्शन आज सांकेतिक रूप से आज प्रदर्शन किया और SDM खैरागढ़ को हमने ज्ञापन दिया। क्या चाहते हैं प्रशासन से? हम प्रशासन से हमारी मांग है, उन मांगों के समक्ष हमने ज्ञापन दिया है प्रधानमंत्री महोदय के नाम और मांग करते हैं कि जो आतंकी संगठन जो लॉरेंस बिश्नोई और जैसे आतंकी संगठन जो इंटरनेशनल स्तर पर अपनी ख्याति प्राप्त बदमाश लुटेरे जो देश को बांटने का काम, देश को लूटने का काम कर रहे हैं और जो आतंकवादी संगठन इस हत्या की जिम्मेदारी ले रहे हैं, ऐसे बेखौफ डोल रहे ऐसे अपराधियों को यहाँ पर लाकर जाकर तो एनकाउंटर किया जाए इसका, या इसको फांसी की सजा दी जाए और इनके खिलाफ विशेष कड़ी कार्रवाई की जाने की मांग कर रहे हैं। और हमारी राजपूत समाज करणी सेना के कुछ लोग जयपुर में आंदोलन कर रहे हैं और उनकी कई मांग है, वो सब कार्यक्रम चल रहा है वहाँ पे। हम भी एक अपने सांकेतिक रूप से यहाँ प्रदर्शन धरना प्रदर्शन किया और एक दो मिनट का मौन रखा और यहाँ कल बाज़ार बंद करने का आह्वान किया है सबसे। सभी से मेरा निवेदन है विनम्रतापूर्वक से सर्व समाज से, सर्व समाज के बंधुवर में सारे लोग अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और इस कल बाज़ार बंद में हमारा सहयोग प्रदान करें।